बात तो हमने देखी है कि व्यक्ति हर किसी से जीतना चाहता है, पुरुष प्रत्येक प्राणी से जीतना चाहता है, पर पुत्र से हार जाना चाहता है। पिता अपने पुत्र से हार जाना चाहता है, सम्मान में, ज्ञान में, बल में, पराक्रम में, पौरुष में और संचय में, उच्च पदस्थापना में, कीर्ति में, दिग्गंत के विस्तार में। यही तो कामना दशरथ की थी कि पुत्र कैसा हो मेरा, मेरी संतानें कैसी हों, मुझसे अधिक उच्च हों। तो आप पूरे संसार को जीत लेना चाहते हैं पर पुत्र से हार जाना चाहते हैं, और तभी चैन पड़ता है। पिता उसी दिन निश्चिंत होता है जब वो जान लेता है कि पुत्र मुझसे भी अधिक जयी बली पराक्रमी है। और भैया मां भी अपनी बेटी से हार जाना चाहती है, शील सौंदर्य में, माधुर्य में, ज्ञान में, विनय में, पवित्र आचरण में, संकोच में, लज्जा में, हर बात में मां हार जाना चाहती है बेटी से। तो कभी अगर हम संतानों के साथ टोका टाकी करते हुए देख रहे हों, जैसे कि मां की आदत होती है बेटी के साथ टोका टाकी बहुत है, ये मां टोका टाकी नहीं कर रही, पिता आपको बार बार टोक नहीं रहे हैं ना, आपको गढ़ रहे हैं, अपने से बड़ा बनाना चाहते हैं, ऊंचा देखना चाहते हैं, जो वो खुद नहीं हो सके, जो वो खुद नहीं बन सके, जो स्वयं नहीं बन सके, जो उनकी अपनी चाहत थी वैसी चाहत पैदा करना चाहते हैं, जो खुद की चाहत थी वैसी चाहत बन जाए। जैसा यश हमारा नहीं रहा, वैसा यश वैसा जस चारों ओर बिखर जाए, रिता कहते हैं बिखरने को, वैसी जस रिता चाहते हम, वैसा वैसी चाहत हम चाहते हैं। हमारी अभिप्सा, हमारी कामना, हमारी अभिलाषाएं क्या हैं? पदार्थ ऐसा नहीं है जो मृत्यु के मुंह में न हो। काल व्याल मुख ग्रास संसार निर्णास हेतवे। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और जिस दिन अपने स्वरूप का बोध होता है उस दिन व्यक्ति आनंद, अनुराग से, प्रेम और सामर्थ्य से भर उठता है।